العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام وقيل له ما التوبة النصوح فقال عليه السلام ندب ندم بالقلب واستغفار باللسان والقصد على أن لا يعود صلوات بيت محمد علی امیر المومنین سے سوال ہوا کہ مولا یہ بتائیے کہ توبہ نصوح کیا ہے, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ نصوح کرو. تو یہ توبہ نصوح کیا ہے؟ فقالا, تو اس کے جواب میں امیر المومنین نے فرمایا ندم بالقلب, دل سے شرمندہ ہونا, جو کچھ بھی کیا ہے, جو بھی معصیت ہے, مخالفت ہے, گناہ ہے, حرام ہے, ندم بالقلب, دل سے اس کے لیے نادم اور پشیمان ہونا, واستغفار باللسان, اور زبان سے استغفار کرنا, والقصد ان لا یعود, اور اس بات کا مضبوط اور محکم ارادہ کرنا, قصد کرنا کہ جو ہو گیا ہے اب وہ دوبارہ نہیں ہوگا. یہ ہے توبہ نصوح. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. یقیناً باقی جتنے بھی مذاہب ہیں, جتنے بھی ادیان ہیں, ان میں جو ان کے اصول ہیں, جو قوانین ہیں, اور
उन उसूल और कवानीन के साथ साथ खुद अल्लाह की तरफ वापस आने के लिए जो जरिए और तरीके बताए गए हैं उनमें इस्लाम से बेहतर कोई भी मजहब और कोई भी दीन नज़रिया पेश नहीं कर सका है। और ये एक नज़रिया नहीं है, ये बल्कि एक हकीकत है। वरना यही वो अमल है कि जहाँ पर इंसान नाउमीद होकर खुदकुशी कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। ये खुदकुशी कहाँ होती है, सुसाइड कहाँ होता है? जहाँ पर नाउमीदी होती है कि अब हमने कर तो लिया है लेकिन इसका होगा क्या, अब हम नमाजें पढ़े जाएं वो तो कबूल नहीं होंगी, रोजे रखे जाएं वो तो कबूल नहीं होंगे, हज पे जाएं वो तो कबूल नहीं होगा, जियारत करते रहें वो तो कबूल नहीं होगा, अब इससे फायदा क्या है? फिर ठीक है, इससे बेहतर ये है कि हम अपने को ही खत्म किए लेते हैं, इस जिंदगी से और इस दुनिया से क्या फायदा। तो इंसान मायूसी में खुदकुशी कर लेता है। खुदकुशी के जो भी असबाब हैं, जहां खुदकुशी के असबाब में से एक सबब यह है कि अल्लाह की जात के ऊपर ईमान ना होना। कहा भाई दुनिया में बड़ी जहमतें थी, बड़ी तकलीफें थी, बड़ी परेशानियां थी, और उन जहमतों और तकलीफों और परेशानियों की बुनियाद पर आजिज आकर उसने सुसाइड कर लिया। घर में उसका शौहर बहुत परेशान कर रहा था, उसने सुसाइड कर लिया। उसका बेटा हर रोज उसको परेशान करता था, उसने बाप ने अपने को सुसाइड कर लिया। एक शख्स दूसरे शख्स को बहुत ज्यादा अज़ियतें दे रहा था, उसने उस शख्स से आजिज आके अपने को सुसाइड कर लिया। ये आमतौर सुनते रहते हैं, लेकिन इस सिलसिले में भी अगर आप जो इस्लामी तालीमात हैं, जो कुरानी अहकाम हैं, उनके ऊपर अगर आप नजर करें तो यहां के ऊपर भी हमको कुदरत ने उम्मीद दिलाई है, मासूमीन ने हमको उम्मीद दिलाई है। देखो ये जो जहमत है तुम्हारी, दुनिया की जहमत, एक जौजा का शौहर के हाथों अज़ियतें बर्दाश्त करना, ये कितने दिन है? 5 साल 10 साल 20 साल? तो यहां की जहमतें खाली 20 साल की हैं, वहां की हमेशा हमेशा की है। और फिर इसके बदले में है, जितनी यहां तुम जहमत बर्दाश्त करते जाओगे वहां तुम्हारा अज्र और तुम्हारा इनाम बढ़ता जाएगा, चाहे वो एक इंसान के जरिए से दूसरे इंसान पर जुल्म हो और उसका सब्र करना हो, चाहे एक भाई के जरिए से दूसरे भाई के ऊपर जुल्म हो और उसका सब्र करना हो, चाहे बाप के जरिए बेटे पर जुल्म हो और उसका बर्दाश्त करना हो, चाहे बेटे के जरिए से बाप के ऊपर जुल्म हो और उसका सहन करना हो। तो जितना ज्यादा बर्दाश्त करता जाएगा, जितना सब्र करता जाएगा, उतना ही उसके यहां उसके दर्जात बुलंद होते जाएंगे। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मिलेगा आपको किसी दीन में यह नजरिया, किसी मजहब में यह नजरिया? तो अल्लाह ने उम्मीद दिलाई है कि देखो तुम सब्र करो, अगर तुमसे गलती हुई है, एक तो यह होगा, अब अगर तुमसे गलती हुई है, तुमने गुनाह किया है, तुमने हराम किया है, तो तौबा करो, माफी मांगो, शर्मिंदा हो जाओ और फिर इरादा करो कि दोबारा ऐसा नहीं करोगे। अगर तुमने ये काम कर लिए तो अल्लाह माफ करने वाला है। या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह,
اے میرے وہ بندوں کی جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، خود اپنے کو انہوں نے ہلاکت میں ڈالا ہے، تم نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا ہے اور اس کا بگڑنے والا بھی نہیں ہے کچھ، تم نے اپنا ہی بگاڑا ہے۔ چند دنوں کی اور تھوڑے سے وقت کی لذت کے لیے، مزے کے لیے، آرام کے لیے تم نے اپنا بگاڑا ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اب اگر تم نے اپنے اس پر بھی ظلم کیا ہے تب بھی تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم حکم دے رہا ہے کہ اس کی بارگاہ میں آؤ، اس کی بارگاہ میں توبہ نسوح کرو، توبہ نسوحا، توبہ نسوح کرو۔ ہمارے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، امام سے جس طریقے سے مولا امیر المومنین سے سوال ہوا کہ مولا توبہ نسوح کیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ دل سے شرمندہ ہونا اور زبان سے استغفار کرنا اور اس گناہ کے دوبارہ نہ کرنے کا مکمل اور مصمم ارادہ کرنا۔ ایسے ہی ایک شخص نے پانچویں امام سے سوال کیا کہ مولا یہ توبہ نسوح کیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ دیکھو توبہ نسوح اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا۔ پھر امام نے اس کے آگے فرمایا کہ جب بھی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک بندی، ایک ڈاٹ، ایک سیاہ نقطہ اس کے دل کے اوپر پیدا ہو جاتا ہے جب گناہ کرتا ہے۔ پھر جب یہی بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو یہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ پھر کرتا ہے تو پھر پیدا ہو جاتا ہے، پھر توبہ نہیں کرتا تو پھر یہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، یہ بڑھتا رہتا ہے اور دل کو گھیرتا رہتا ہے۔ کب؟ جب گناہوں میں زندگی بسر ہو رہی ہو اور توبہ کی طرف انسان مائل نہ ہو، تب بڑھتی رہے گی سیاہی، بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی۔ انسان نہ شرمندہ ہوتا ہے، نہ اس کو کچھ احساس ہوتا ہے، نہ اسے کچھ خیال آتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کچھ نہیں۔ یہاں تک کہ ایک منزل ایسی آتی ہے کہ اس کے پورے دل کو یہ سیاہی ڈھانپ لیتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب تک اس پورے دل کو سیاہی نے ڈھانپا نہیں تھا، نقطہ پیدا ہوتا تھا، تم توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، معافی مانگتے تھے، شرمندہ ہوتے تھے، اللہ معاف کر دیتا تھا، سیاہی ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن جب تمہارے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے یہ پورے دل کو سیاہی ڈھانپ لیتی ہے تو پھر اب واپس آنا بڑا مشکل ہو، واپس آنا کہاں، یعنی توبہ کی توفیق ملنا۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد، جب تک دل پورا سیاہ نہیں ہوا ہے تب تک تو امید ہے کہ انسان یہ پلٹ آئے گا، کہیں نہ کہیں اس کو احساس ہوگا اور یہ معافی مانگے گا۔ اور ہوتا بھی ایسا ہے کہ معلوم ہوا کہ کبھی کبھی تو پوری جوانی گناہ میں گزر گئی، آخر میں اس کو خیال آتا ہے ارے ہم نے یہ کیا کر دیا، ہم نے کبھی کبھی پوری عمر گناہ میں گزار دی، اس کے بعد ایک دم سے احساس ہوتا ہے یہ کیا کیا ہم نے، اور پھر توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لیکن
ये मंजिल बड़ी सख्त है कि इंसान गुनाहों की वजह से उसको एहसास ना हो और पूरा दिल उसका सियाह हो जाए। और हमारे समाज में ये बहरहाल कहा भी जाता है, अरे साहब उसकी क्या बात करते हो, उसका तो दिल सियाह हो गया है। दिल सियाह होने का मतलब ही होता है, अरे साहब उसकी तो बात ही जाने दीजिए, वो तो बस गुनाहों में पड़ा हुआ है, वो वापस आने वाला नहीं है। तो हकीकत में अजीजान मोहतरम, वो करीम परवरदिगार, वो रहीम माबूद कि जिसका इतना करम है और इसका इतना रहम है कि वो अपने सामने बंदे को गुनाह करते देखता है, मासियत करते देखता है, मुखालिफत करते देखता है, लेकिन इसके बावजूद फौरन उसको सजा नहीं देता है, उसके ऊपर अजाब नाजिल नहीं करता है। और यही बंदा जब नहीं आता है उसकी बारगाह में, तो इस मुखालिफ बंदे को वो आवाज देता है, या इबादी, ए मेरे बंदे आ जाओ मेरी बारगाह में। कौन है दुनिया में कि जिसके इतनी मुखालफत की जाए और फिर वो उसको बुलाए? नहीं मिलेगा दुनिया में आपको कोई, कोई मिसाल नहीं मिलेगी दुनिया में। यह सिर्फ उसका रहम है, सिर्फ उसका करम है कि जहां के ऊपर इन तमाम मासियतों और मुखालफतों और खियानतों के बाद भी वो परवरदिगार इस इंसान को अपना बंदा कह के पुकार रहा है, या इबादी, ए मेरे बंदे आ जाओ मेरी बारगाह में। क्यों ना उम्मीद होते हो, क्यों मायूस होते हो? ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो, एक मर्तबा तुम मुझे पुकार लो, एक मर्तबा मुझे आवाज दे लो। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीअ, एक मर्तबा पुकारोगे मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो एक तो ये मंजिल है कि जहां के ऊपर गुनाह है, मासियत है, मुखालिफत है, खियानत है, और वहां के ऊपर तो समझ में आता है कि बंदे का इस्तिग़फ़ार करना, तौबा करना, माफी मांगना, लेकिन जहां पर गुनाह ही नहीं, खता का इम्कान ही नहीं, फिर वहां पर ये कैसी तौबा हो रही है, वहां पर ये कैसा इस्तिग़फ़ार हो रहा है? आप समझ गए और आपके जहन पहुंच गए आपके वो मासूमीन हस्तियां कि जहां तरके औला का भी गुजर नहीं है, जिनके दामन के ऊपर तरके औला का भी दाग नहीं है। और जब वो मासूम हस्तियां उस मालिक की बारगाह में आती हैं, अल्लाहुम्मा अग़फिर लि अज़्ज़ुनूब अल्लती तहति कुर्असम, अल्लाहुम्मा अग़फिर लि अज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुन नक़म, اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم, फिर यहां के ऊपर ये इस्तिग़फ़ार क्या है, ये कौन सा इस्तिग़फ़ार है, ये कौन सी तौबा है? तो अजीजाने मोहतरम, कुरान ने हर चीज की रहनुमाई की है, मासूमीन ने हर चीज के मुताल्लिक बयान फरमाया है। और अगर आप कुरान में गौर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा किसी कुरान में परवरदिगार आलम ने तौबा का जो मकाम बयान फरमाया है, इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार सिर्फ गलती, खता और गुनाही पर नहीं है, सिर्फ गुनाह पे नहीं है इस्तिग़फ़ार, गलती पे नहीं है, खता पे नहीं है, बल्कि हकीकत में इस्तिग़फ़ार एक सिफत है अल्लाह से करीब होने, और जो जितना करीब होता है उसके यहां तौबा और इस्तिग़फ़ार का उतना ही जज्बा होता है, शौक होता है। जिस तरीके से एक किसी भी कोई भी बड़ी हस्ती हो, बड़ी शख्सियत हो हमारे सामने, तो हमारी कोशिश ये होती है कि उसके सामने कुछ गलत ना होने, उसके सामने कुछ गलत ना होने पाए। अच्छा, गलत होता भी नहीं है फिर भी हम
उससे कहते हैं कि अगर कोई गलती हुई हो तो जरा सा माफ कर दीजिएगा, अगर कहीं से कोई भूल हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा, ऐसा हुआ हो तो जरा सा। फिर भी हम इनकसारी का सबूत देते हैं। ये इनकसारी क्या चीज है? इनकसारी का मतलब होता है वो जो शख्सियत है उसका एहतराम, क्योंकि शख्सियत बुजुर्ग है। अगरचे हमसे गलती नहीं हुई है, हमसे कोई गुनाह नहीं हुआ है कि हम जाकर उसके सामने इस तरीके से बैठे हैं, हमें कोई गुनाह नहीं किया है, हम भी जाकर उसके सामने तन के बैठ सकते हैं, लेकिन क्यों इनकसारी के साथ बैठे? उसके एहतराम में। तो बस अजीजान मोहतरम, ये अल्लाह की किबरियाई और बुजुर्गी के सामने इस्तिग़फ़ार भी एक तरीके की इनकसारी है, एक तरीके की इनकसारी है कि वो बुजुर्ग बरतर परवरदिगार जब उसके सामने अपने को देखते हैं, कहां वो और कहां हम, तो जबान के ऊपर बेसाख्ता जुमले आते हैं, अल्लाहुम्मग़फिर लिज़्नूबल्लज़ी तहतक रहसा, अल्लाहुम्मग़फिर लिज़्नूबल्लज़ी तुनज़िलुन नक़म, इलाही अना अब्दुका ज़ईफ़ अज़लील अल-हकीर अल-मिस्कीन अल-मुस्तकीन, कहां वो बुजुर्ग बरतर कहार जब्बार गफ्फार और कहां हम। तो हकीकत में ये उस बुजुर्ग बरतर के सामने एक इनकसारी का सबूत है कि जहां के ऊपर मासूमीन अलैहिस्सलाम ने दुआओं में जो हम देखते हैं कि तौबा और इस्तिग़फ़ार और मुनाजात ये जो मिलती हैं, ये हकीकत में उसी इनकसारी की बुनियाद पर थी। अगरचे उसमें दूसरा रुख वो हमारे लिए है, वो हम गुनहगारों और खताकारों के लिए है कि इन दुआओं और मुनाजातों से सबक लो और दर्स लो कि जब एक इमाम मासूम उसकी बारगाह में आता है तो ऐसे गिड़गिड़ाता है, तो हम खताकारों को कैसे उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाना चाहिए। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि जब एक इमाम मासूम उसकी बारगाह में इस तरीके से दुआ करता है, तौबा करता है, इस्तगफार करता है कि जहां गलती और खता का कोई इम्कान नहीं है, तो अगर हम उसकी बारगाह में आए तो हमको कैसे उससे पुकारना चाहिए और कैसे उसकी बारगाह में तौबा और इस्तगफार करनी चाहिए। करबला में जितने भी इमाम के साथ थे, भाई पहले जो भी रहे हो, क्योंकि करबला में ऐसे भी थे कि जो करबला से पहले इमाम के दीन पे नहीं थे, इमाम के मजहब पे नहीं थे, लेकिन इमाम से मुलाकात के बाद तो सब हुसैनी हो गए थे, फिर कोई कुछ नहीं था, सब हुसैनी थे। क्या उस मौके के ऊपर भी किसी को कोई शक था कि उनकी बख्शिश नहीं होगी, उनको जन्नत नहीं मिलेगी? अरे शबे आशूर खुद इमाम ने सबको जन्नत दिखाई है, देखो ये तुम्हारा मकाम है, ये तुम्हारा मकाम है, ये तुम्हारा मकाम है, ये तुम्हारा मकाम है। सुबह हो और खुद असहाब खुश हो रहे थे, सुबह हो इमाम से इजाजत मिले मैदान में जाए और वो मकाम हासिल कर ले कि जो इमाम ने दिखाया है, इसके बावजूद शबे आशूर कैसे मुनाजात कर रहे थे, कैसे उसकी बारगाह में तौबा कर रहे थे और कैसे इस्तगफार कर रहे थे, जबकि खुद इमाम ने जन्नत की जमानत दी है, जन्नत दिखाई है। इसके बावजूद पूरी रात असहाब इमाम ने दुआ और मुनाजात और इस्तगफार में गुजार दी, तिलावत कुरान मजीद की ऐसी आवाजें ख्याम हुसैनी से आ रही थी जैसे शहद की मक्खी के छत्ते से बिनबिनाहट की आवाज आती है। सफेद ये शहर नमूदार हुआ, जनाब अली अकबर गुलदस्त अजान पर आए, इमाम ने अपने जो मखसूस मुअज्जिन थे हज्जाज इब्ने मसरूक रोक दिया, रुक जाओ आज मेरा बेटा अजान देगा। क्यों? इसलिए कि शबी है पैगंबर है, और खाली सूरत ही से शबी है पैगंबर नहीं थे जनाब अली अकबर, सीरत भी पैगंबर वाली थी,
आपका अंदाज भी पैगंबर वाला था और आपकी आवाज भी पैगंबर वाली थी। चाहते थे कि पैगंबर का लहजा और पैगंबर की आवाज गूंजे करबला के मैदान में। और ये जो अपने को मुसलमान होने का दावा करते हैं, कम से कम इनके कानों तक वो आवाज जाए। गुलदस्ते अजान के ऊपर आए, अजान तमाम हुई, नमाज पूरी हुई और करबला के मैदान में सफें लग गई। आजादारों, अब जो जंग की इब्तिदा हुई है तो पहले ही हमले में इमाम के 50 साथी शहीद हो गए, लश्कर में खला वाकई हो गया, कमी आ गई और इमाम एक एक को मैदान में भेजने लगे, यहां तक कि असहाब शहीद हो गए। अइज्जा की बारी आई और इमाम एक एक को मैदान में भेज रहे हैं। भी देर नहीं होती है कि जाने वाला आवाज देता है, कोई आवाज देता है चचा मेरी मदद को आओ, कोई कहता आपा मेरी मदद को आओ, कोई आवाज देता है बाबा आप पर हमारा आखिरी सलाम। और 3 दिन के भूखे और प्यासे हुसैन एक एक की मैयत पे जा जाके आजादारों, कभी औन मोहम्मद के लाशे, कभी कासिम की पामाल मैयत, कभी अली अकबर का जनाजा, कभी अब्बास के कटे हुए बाजू और कभी अली असगर का जनाजा। आजादारों, जब सब शहीद हो गए और इमाम खुद मैदान में आए और वो मौका भी आया कि जब आवाज आई हुसैन, बस शुजात के जवान दिखा चुके, जरा सब्र का मुजाहरा करो। और इमाम ने तलवार को नियाम में रखा, भागी हुई फौजें सिमटी और हुसैन घोड़े से जमीन पर आए। आजादारों, जिस वक्त इमाम घोड़े से जमीन के ऊपर आए हैं तो इस मौके के मुतालिक इमाम जमाना ने जियारत नाहिया में जुमला फरमाया है, सलाम उस पर कि जिसका जिस्म न जमीन पर था और न जमीन पर, बल्कि तीरों के ऊपर टिका हुआ था। आजादारों, अब जो शिमर मलून आगे बढ़ा है और गुस्ताखी की है तो इधर के तीर उधर, उधर के तीर इधर, शिमर का खंजर चला, जमीन कांप गई, आसमान हिल गया, फिजा में आवाज गूंजी, अला कुतल अल हुसैन बिकरबला, बारे लहा शबे जुमा है, शबे मगफरत, शबे रहमत, शबे दुआ, शबे मुनाजात। हम सब तेरे गुनाहगार और फताकार बंदे हैं महबूद, हम सब को माफ़ फरमा, हमारी तौफीकात में इजाफा फरमा, हम सब की आखिरत बखैर फरमा, अपनी राह पे तो ऊपर साबित कदम रख। मोमिनीन जहाँ जहाँ भी आबाद है उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, जो मोमिनीन मरीज हैं उनको शफा अता फरमा, जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी मगफरत फरमा। माबूद मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के ग़ुलामों और उनके नासरों में शुमार फरमा, हम सब की तमाम दीनी और दुनियावी हाजतों को पूरा फरमा। व तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।